यार डॉक्यूमेंट्री से ऑनेस्ट सिनेमा या फिल्म्स मुझे कोई लगती नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो आप इंसान व्यक्तिगत रूप से इंसान को दर्शाता है, दिखाता है, स्क्रीन पे लेके आता है। और डॉक्यूमेंट्री का यही मज़ा है कि वो बहुत ऑनेस्ट रहती है, बहुत जो इंसान है वैसे इंसान को दिखाती है। हालांकि मैं सर के साथ बहुत सालों से हूँ, सर के अंडर हूँ, सर मेरे गुरु हैं और मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ उनके बारे में, बट किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एज अ डॉक्यूमेंट्री, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। यस, अपियर ने भी बहुत, मेरा दोस्त है, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सर इन अ डॉक्यूमेंट्री। मैं एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, आई गो इनसाइड ब्लैंक। कोई भी सिनेमा मैं देखता हूँ तो मैं ब्लैंक जाता हूँ कि भाई ताकि यू नो आप ऑलरेडी प्री कंसीव्ड चीज़ें ना रहें। आई गो देयर एंड आई वॉच फ्रेश देखता हूँ चीज़ों को। यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि I am very excited. I am very excited to see Darren sir in this documentary. और ऑडियंस को यही कहूँगा कि यार स्टार्ट वॉचिंग गुड सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखना शुरू कीजिए, अच्छी फिल्म देखना शुरू कीजिए और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज को और इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट कीजिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। एंड Darren sir, I love you. पेर भाई कमाल कर दिया फ्रांस से यहाँ आके। मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज हमारे देश में जिस तरीके से फिल्में बनाते हैं वो बहुत फास्ट पेस होती है, एजी होती है, और ये जो बंदा है ये फ्रांस से है, ये हमारे डायरेक्टर साहब है पियर, यहाँ पे जो म्यूज़िक दिया है वो यू नो मैक्सिम का म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत मूव है। एलेक्स भी है जो DOP है रहे हैं, तो इनकी जो परख है या जो समझ है सिनेमा की वो बहुत अलग है। और एक फास्ट पेस्ड यू नो बॉलीवुड मुंबई स्टाइल का फिल्म से हट के एक बहुत ही स्लो डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे आप बहुत गहराई के अंदर जाते हो, जो ठहराव दिखाते हो, द साइलेंसेस, ये बहुत ऑडियंस के लिए पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से वो मेरे दोस्त जिनको मैंने बुलाया वो शायद बोलेंगे क्या यार तूने क्या दिखा दिया। सो आई फेल्ट इट्स डिफरेंट, बट उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज उनको लगता है कि यही लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज द रश, इट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रास्ट, जो अंदर की बातें हैं जब आप अपने आप में चले जाते हो, तो वो वाली चीज़ें जो हैं जो उन्होंने में देखी और उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा गहराई है और जो मैं दिखाता हूँ टीवी पे वो एक अलग पहलू है, वो टीवी के लिए बनता है, वो एंटरटेनिंग के लिए है, लेकिन एक नॉन एंटरटेनिंग साइड भी होता है जहाँ पे आप अपने आप में रहते हो और वो भी एक सच होता है, तो वो सच को पियर ने दिखाने की कोशिश की है। सो आई एम नर्वस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पियर जो है मैं इसको जानता भी नहीं था। हर साल मैं डांस सिखाने जाता हूँ वियना ऑस्ट्रिया, और वहाँ पर जाके क्या हुआ कि उसके बाद मैं एक दो हफ्ते के लिए यू नो हॉलीडेज करता हूँ, तो मैं एक कंट्री चूज़ करता हूँ या सिटी चूज़ करता हूँ, तो मैंने एक जगह चूज़ की थी कॉर्सिका। वहाँ पर जाके एक आइलैंड है, फ्रेंच आइलैंड है, तो वहाँ पर गया, होटल बुक किया था, लेकिन जहाँ पे गया 6 बजे शाम के थे, उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई क्योंकि हमने किसी और को दे दिया, और वहाँ पर एक भी होटल फ्री नहीं था। तो फिर वो रिसेप्शन से बोला कि ठीक है मुझे अब बहुत तरस आ रहा है, हमारे पास एक कैंप साइट है वहाँ पर, अगर आपको यू नो रात गुजारनी है तो आप जा सकते हो, मेरे पास और कुछ चारा नहीं है, मैंने कभी कैंप पर रहा नहीं हूँ।
और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं हमारे मेरे कुछ दोस्त भी है जो वहाँ कैंप साइट पर रह रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ रह सकते हो। वो दोस्त थे पियर, उनकी दोस्त, और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि वो भी डायरेक्टर हैं, फ्रेंच डायरेक्टर है, यंग है, और वहाँ से हमारी मुलाकात ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उन्होंने उनको अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया में क्या होता है और मैं कौन हूँ। जब वो इंडिया आए थे मैंने कुछ बताया नहीं था, फिर उनको समझ में आया कि अच्छा मैं एक लोग मुझे जानते हैं, तो उनको बहुत फनी लगा ये पूरा प्रोसेस, और उनको लगा कि यू नो वी शुड यू नो एक्सप्लोर दिस साइड बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफरेंट फॉर फ्रांस एंड फॉर फ्रेंच सिनेमा। So he explored that angle of it and he enjoyed shooting. He followed me around for almost 1.5 years, 3 months. Aur kabhi kabhi wo mere set pe aa jata tha achanak and I would be like, aap kya kar rahe ho yahan pe? Kabhi kabhi main you know shows karne jata tha to mujhe pata bhi nahi tha ki wo wahan pe tapak aa jata tha, bolte mujhe shoot karna hai ki piche kya hota hai, gaane ke piche kya hota hai, shooting ke piche kya hota hai. So it's in that zone. Okay, sorry, what do you want to say about our meeting and how what this film is about? Okay. Yeah, at the beginning, when I proposed to Terence to make a documentary about him, he was thinking that I wanted to shoot him in TV shows, performing, etc. And me, I told him, Terence, me, I want to shoot you when you are alone in your car, alone walking in a park, alone at your flat. And he told me, are you serious? And I said, yeah, it's exactly what interests me. Actually, I wanted to show a part that I knew because I was close to Terence. He was like a brother for me. And I had time in Mumbai with him, like a friend, and I saw a lot of things very interesting. And I told him, Terence, me, I am very interested only in the parts that people don't know. So during 3 months, he was very surprised that sometimes I was shooting him behind him in a park. What are you doing? No, Terence, it's very interesting. Let me, trust me. And he trusts me, actually. And I think the movie talks about the parts of Terence. And it could be another guy, another star, actually. It could be you, it could be us. Because we have all... those emotions and those feelings. Exactly. We have all a private... life. Exactly. And Terence in this movie have let me show it, so thank you. Yeah. So basically we can see a raw version of unseen version. Yeah, it is an honest and also a very vulnerable side of mine ki jo hum shayad or without you know makeup, hair, lights, just the simplicity of it all, to wo it's a most simple Terence that you probably that is probably only my close people know. So I think it's going to be interesting, and sometimes it's also important to make people realize ki ye glamour ke piche ek insaan hai jo ekdam bahut hi saadgi mein rehta hai, and you know I enjoy the simple things in life. Dance reality bhi hai, lekin ek tarfa ka you know it's a created reality, aur life jo hum jeete hain, the life that we live is not created, it just happens. So we are born to it. So I think there's a little bit of a difference there. Dance is a created reality. Hum create karte hain. Aur jo life hum jeete hain is already created within us. So from that aspect to the reality of who you are, the core of you, jab ye sab fame, glory, jo bhi hai, ye sab jab aapko, matlab iske ilawa ek insaan hai andar, wo insaan is what we want to see every time. So I think we need to go beyond the labels. ये जो label है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो भी हो, चाहे वो famous हो या non-famous हो, we all have a personality. उस personality से परे एक इंसान अंदर बैठा है, वो कुछ सोचता है, वो feel करता है, उसके एक weaknesses होते हैं, उसके एक you know वो जूझता है life से. So those are the moments that we are looking at. Well, ये this documentary is shot by French director Pierre and music by Maxine and DOP Alex. ये आने वाला है on YouTube on 13th of April. So it's going to be a India release and we're very excited for it. Paris में already हो चुका है the premiere. This is our Indian premiere. Thank you. Thank you. Yeah. Sorry. Thanks. Yeah.
She loves me. He loves me. Yeah, really. I'm a big fan. He loves you. No one loves you. Everybody loves you. But I love you. What do I want to say about today? I'm over. मेरे लिए भी एक सरप्राइज है बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्ट कम एंड सी क्या किया है उन्होंने. ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है बट टेरेंस एंड वी गो लॉन्ग लॉन्ग वे बैक यू नो. तो इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ. एंड उसके उसकी लाइफ की जर्नी है वो हमारे साथ ही गुजरी है. इतने सालों से हम दोस्त हैं एंड ऑब्वियसली टू सपोर्ट दिस आई हैड टू कम बिकॉज उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री है अबाउट यू नो डांस एंड रियलिटी क्या कर रहे हैं. तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ आना ही है देखना ही है और मैं देखना चाहता हूँ कि किया क्या है यू नो. रियलिटी है तो हमको पता रियल क्या है लेकिन किस तरह दिखाया गया है यू नो दिखाया कैसे वो देखना चाहता हूँ. टेरेंस और मैं और मेरी वाइफ हम यू नो वनीता जब से टेरेंस स्टार्ट किया डांसिंग तब से हम साथ में हैं. उनकी पहली जो क्लास थी वहाँ वनीता मेरी वाइफ यू नो उनके साथ में रह चुकी हैं एंड मैं बाहर था हमेशा सपोर्ट करने के लिए ले जाता था उनको पिकअप करने के लिए. और टेरेंस और मैं यू नो साथ में बड़े हुए इट्स लाइक दैट लिटरली. हम मेरे को पता था कहाँ रहता था और अब कहाँ रहता है बांद्रा में जाके. तो उसकी पूरी जर्नी पता है. मैंने मेरे घर पर आके जब पार्टी हम करते थे तो वहाँ की मेरी जर्नी और उनकी जर्नी साथ में जाके हम बड़े हुए. टेरी सो यस from childhood till now. But I'm just telling that how we each grown together and बहुत पहले की इसकी जर्नी में यू नो हमको पता है अंदर क्या हुआ है कैसे हुआ है. 1992-93 almost 30 साल पहले. So his first class जब start किया था तो me and my wife used to be he used to come to pick up his wife from the dance class. मैं बाहर बैठा रहता था अच्छा दिखा गाड़ी में class में और फिर मैं pickup करूँगा. So we know till then all the best for your fantastic new reality. Yeah, I hope the reality is as interesting as the as what you see on TV. Anything that he does is fantastic. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, kya baat hai. Thank you. Acha, ye bhi kuch naya. She's from the production you know headquarters. Kuch interesting cheezein ho rahi in dono ke saath. So I let them speak. The ladies. So I feel dance is a language to soul. And we exactly know how to find that soul. And what we're looking forward to this film and we're looking forward to a very exciting project which we'll announce very soon. So for me, working with Sir is a very surreal experience because he's been an idol, a mentor, and now I feel I'm very fortunate to get a chance to work with him. So yeah, our song is coming out on 26th, so I hope you guys love it. On T-Series, YouTube. It's his debut as a singer, so we are very excited for that. And after that, very soon, we'll be doing a project together. Yes. So, all the best. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Okay, so Smart Jodi बहुत ही अच्छा performance दे रही है TRP के मामले में भी और audience भी काफी ज़्यादा पसंद कर रही है Smart Jodi को. जिस तरह से जोड़ियाँ दिखाई जा रही है इस साल बहुत ही ज़्यादा अतरंगी और बहुत ही ज़्यादा unique भी है. So क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप दोनों? मुझे लगता है आपने सारी बातें बोल दी है. लिसन क्या है जो स्मार्ट जोड़ी का कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा यूनिक है और फर्स्ट टाइम मतलब स्टार प्लस ने ऐसा प्लान किया है. एंड सीरियसली ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया दैट्स वाई मैं ये सब बात बोल रहा हूँ. बट अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आप सिर्फ स्माइल करते रहेंगे हंसते रहेंगे और हाँ कुछ अच्छी बातें सीखते रहेंगे वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे श्रीकांत सर हैं विद्या मैम हैं उनकी वाइफ हिमालय सर हैं एंड भाग्यश्री मैम हैं. तो ये मतलब सबके अलग अलग जर्नी रही है उनकी अपनी लाइफ की और प्यार वाली लाइफ है. हाँ. तो वो ना अपने को भी देख के ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसे या आगे चल के हमको ऐसा होना है ऐसा बनना है. और वहीं पे एक होता है ना कि लाइक प्यार में जो नोक झोंक होती हैं और हर जगह होती है ये सारी चीज़ें. लेकिन जो गेम खिलाते हैं हम 10 कपल के बीच में और देखो हर एक कोई चाहता है गेम जीतना लेकिन गेम को ऐसा नहीं है कि जीत जाऊंगा तो मैं ऐसा वैसा. बट एक
वहाँ पे जिस हिसाब का माहौल क्रिएट कर रखा है ना, ये लोग बहुत चालाक हैं स्मार्ट जोड़ी वाले, इन लोगों ने ना सेलिब्रिटी को एकदम बंदर बना दिया है वहाँ पे। आप कोई भी गेम होगा ना उसको जीतने के लिए बच्चों से हरकत कर रहे हैं लोग, तो इसलिए ना पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ना सेलिब्रिटी नहीं है वहाँ पे, वो एक बच्चा भी है, एक हस्बैंड है, और उसके ऊपर हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हम पहली बार हमारी जो जर्नी रही है, जो हमारी जो रिलेशनशिप है, उसको भी हम आप लोगों के सामने इस शो के थ्रू ला पा रहे हैं, जो शायद हम कभी बोल नहीं पाते। जी जी जी, सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग। तो और सबका स्टोरी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम लोगों को कितने स्टोरीज सुनने को मिल रहा है, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। नो नो, हाँ, अगर कंपटीशन की बात आ जाती है तो कौन ज़्यादा सीरियसली लेता है आप दोनों में से जीतने को लेकर? मैं तो नर्वस हो जाती हूँ। नहीं, मैं देखो, मुझे लगता है कि सीरियस मैं लेता हूँ अंदर से, हाँ फन वे में रखता हूँ मैं सारी चीज को, बट हाँ मुझे जीतना अच्छा लगता है और मैं जीतता भी आया हूँ ना शायद, लकली मैं जीता भी हूँ। अरे ये क्वेश्चन दूसरों से पूछो, हो सकता सब मेरा नाम ले एक साथ, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप दोनों किसको मानते? नहीं मुझे देखिए, ये आप ना ऐसा बिल्कुल नहीं प्लान कर सकते हो या बोल सकते हो कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के गेम्स दिए जाते हैं हमको। जैसे एक बार मुझे दे दिया लव लेटर लिखने के लिए, अब मैं महाकच्चा उसमें हूँ लव लेटर में, तो कोई और ही जीत जाएगा। ठीक है, अगर कुछ अलग गेम देंगे जो मेरे टाइप का है तो मैं उसको निकालूंगा। ये श्रीकांत सर है तो वो लोग सबके हिसाब से ही है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा अरे ये तो गेम ही जीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब मुझे अगर दे दिया रोटी बनाने तो ये बस चली गई आउट, मैं पहले बोल दूंगा हो गया। अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो और नजदीकियां बढ़ी है एक दूसरे के बारे में, और एक अच्छे तरीके से जाने शो के दौरान, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या लाइक एक दूसरे के बारे में, हाँ, और कुछ जानने को मिला है इस शो के दौरान आप दोनों में? क्या कुछ मतलब बदलाव आया है या फिर एक दूसरे को लेकर क्या कुछ फीलिंग आई है? आई थिंक हमारी बातें लोगों को पता चल रही है अभी। हाँ, एक है कि जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम साथ में लाइक गेम, और एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि देखो गेम कभी भी, जैसे अगर आप टीम होते हो ना तो टीम कभी आप अकेले नहीं खेल सकते हो, आपको सामने वाला उसका सपोर्ट चाहिए। ये जीते उसके पहले तो मैंने कुछ किया, फर्स्ट टाइम तो ये कुछ किए, हाँ तो एक दूसरे के जैसे हम लोगों ने, मैंने जो गेम जीता भी है, जैसे मेरा नाम आया कि मैंने इनको चेयर पे बिठाया था, बट उसके पहले इसने गेम जीता था, इसने गले में मेरे वो हार फेंका था, मतलब कि उसमें 10 लोगों में से 3 तुमने फेंका, 3 कुछ लोगों ने फेंका, तो जो सबसे ज़्यादा फेंका था वही सेलेक्ट हुआ था ना फाइनल के लिए, अदरवाइज ये नहीं फेंकती तो आउट था मैं उधर। तो एक कंपैटिबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि चलो हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।